इस वक्त मैं आपको बहुत खूबसूरत सी चीज़ दिखाने लगी हूँ। मैं बनाने आई थी पासपोर्ट, तो पासपोर्ट ऑफिस के बिल्कुल बराबर में उसी मेन रोड पे एक बहुत ही खूबसूरत शॉप है, और वो शॉप है एक कोरियन शॉप फिश की। तो मैं आपको यहाँ की फिशेज दिखाने लगी हूँ। दिल खुश हो गया, इतनी खूबसूरत यहाँ मछलियाँ हैं। तो अगर आप लोगों ने किसी ने परचेज़ करनी हो तो यहाँ से करें, क्योंकि ये होल सेल की शॉप है और यहाँ पे जो मछली बाहर आपको बहुत महंगी मिलती है वो रीज़नेबल प्राइस में आप यहाँ से ले सकते हैं। चलें मैं आपको ज़रा मछलियों की दुनिया दिखाती हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत सी मछलियाँ। आप मछलियों पर फोकस करें इस पर। ये देखें, ये सारे कोरियन भरे हुए हैं, नीचे तक दिखाते जाए एक एक करके। ये देखो खूबसूरत मछलियाँ हैं, ये देखें। अच्छा, ये वाली मछली मेरे पास भी है, लेकिन अगर आप लोगों ने घर में रखनी है तो बिल्कुल अलग रखें, क्योंकि ये टाइगर फिश है और आपस में लड़ती हैं और दूसरी मछलियों को खा जाती हैं, तो इसने बड़ा नुकसान किया है मेरी मछलियों का, तो इसको साथ ला रखें। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा घूम जाते हैं। ये है इस शॉप का नाम क्या है? बैक ट्रेडर्स के नाम से पासपोर्ट ऑफिस के बिल्कुल थोड़े बराबर में ये शॉप है। बहुत खूबसूरत शॉप है। अगर किसी ने परचेज़ करनी हो मछलियाँ और जो एक्वेरियम का शॉप रखते हैं, तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर आएँ, विज़िट करें। और यहाँ पे आपको हर तरह की और एक बहुत स्पेशल मछली है जो सबसे आखिर पे आपको दिखाऊंगी, ये है। अच्छा, तुम नाम बताते जाओगे साथ के साथ? अफ्रीकन चिकलेट। साथ आ जाओ, कुछ नहीं कहेंगे। ये अफ्रीकन, ये कौन सी है? ये कम्फा फ्लावर ऑन की फीमेल है। ये फ्लावर ऑन आती है, एक मेल होती है। अच्छा, वो सिंगल रहती है, आपस में किसी के साथ नहीं। अच्छा, ये उसकी फीमेल। अच्छा, बाहर के रेट्स में यहाँ के रेट्स पे कितना डिफरेंस है? रेट है हमारे, क्योंकि अभी थोड़े से रेट बढ़ गए हैं डॉलर की वजह से। अच्छा, बाकी तो ये हमारा होलसेल का काम है, कि पूरे कराची में हमारी मछली यहाँ से सप्लाई होती है। पूरे कराची में मछली यहीं से सप्लाई होती है, और फिर आगे कैसे बिकती है वो तो जो रखते हैं उनको पता है। अच्छा, ये देखें, ये सारे, ये कौन सी है? ये नीचे कोई फिश है, ये कार्प फिश है। कोई फिश? ये कोई फिश है, खुले पानी की तालाब की मछली होती है। अच्छा अच्छा, सही। थोड़ा सा आगे आते हैं, ये स्मॉल गोल्ड फिश है। और ये ऑस्कर, ये मैंने समंदर में देखा है, समंदर में। ये फ्रेश वाटर है। अच्छा अच्छा, ये मछली तो मेरे पास घर में भी है। अच्छा, ये मछलियाँ मेरे पास मेरे रूम में भी हैं। ये वाली मेरे रूम में है, ये वाली मेरे रूम में है। कुछ नीचे आते जाएँ, माशाल्लाह इतनी सारी मछलियाँ हैं कि दिखाना इतना आसान नहीं है आपको। और थोड़ा थोड़ा आगे आते जाएँ, हर तरह की मछलियाँ आपको गाइड मिलेगी। ये मछली बड़ी खूबसूरत लगती है, अगर किसने परचेज करनी हो। और सबसे स्पेशल मछली मुझे ये लगती है, जब आपको डायरी, जब मैं समंदर गई थी थाईलैंड, हम लोग कर रहे थे, तो उसमें ये मछली बहुत बहुत मज़े की है। और ये मैंने कम देखी है लोगों के यहाँ, और यहाँ इनके पास है, तो उन्हें दो तक घूम फिर रही। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है बच्चा? 6000 का पेयर है। 6000 का सेल नहीं कर रहे, क्योंकि नया है। चले, जब डिस्प्ले के लिए जब आएंगी तो आप उसे लेकर जाएंगे। ये वाली रेडा, इसको बोलते हैं जार्डिनियन रेड टेल गोल्डन अरवाना। अच्छा, इसका सर्टिफिकेट भी है, पालने का रखने का लाइसेंस है इसका। अच्छा, इसके लाइसेंस भी है। 50,000 प्राइस है इसके। 50,000, ओ माय गॉड, इस मछली के 50,000, वन पीस के 50,000 रुपए इसके प्राइस है। जो थाई लोग हैं वो इस मछली की पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, थाई लोग इसकी पूजा करते हैं भाई, इसलिए बहुत महंगी है। और ये 50,000 का एक है, मतलब पेयर नहीं है, वन पीस। इतना महंगा है। रेड एंड गोल्डन अरवाना के नाम से ये फिश है। और बाकी ये सारी फिश, ये भी सेम वही है, सिल्वर अरवाना है, नॉर्मल कैटेगरी की मछली है, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए ये कितनी खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह। ये मछली बहुत खूबसूरत लगती है। इसके बाद ये देखिए, ये लाइव प्लांट है। अच्छा, मेरे पास मेरे घर में है, हम लोगों ने ना, अच्छा वहाँ से कोई खाद आती है, और इस तरह के प्लांट्स भी हमने लेके अपने रूम में, मेरे जो कोरे में उसमें लगे हुए हैं। ये देखें, ये तमाम टाइगर बार में हाई सील टाइगर, शॉर्ट फिल्म भी आते हैं, एल्बिनो भी आते हैं, ग्रीन
थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आगे चलते हैं क्योंकि फिश बहुत ज़्यादा है। कपीस की फीमेल है ये। कौन सी है? कपीस फीमेल। कपीस फीमेल। और ये? ये बैरून मूली है, इसमें कपीस फीमेल भी है। और ये दिखाएं भाई। ये डायमंड कार्प आई से डायमंड कार्प। डायमंड कार्प ये है। और ये डिस्कस है, ये भी अच्छी है। ये मछली बहुत मजे की है। और ये छोटी मैं अपने रूम के लिए ले रही हूँ, वो भी कर सकता है। बोले हम तो डिस्कस कर रहे थे, इस मछली का नाम डिस्कस है। ओके। और बस दूर से शॉप देखा तो और ये इसी कराची सफाई होती है, तो आप यहाँ के मछली ले सकते हैं। क्योंकि ये जो मछलियों का शौक है ये बहुत खूबसूरत शौक है, रखना आसान नहीं है लेकिन शौक बहुत खूबसूरत है। तो ये सिर्फ आपको दिखाना था।